ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज जो उपाय आपके लिए हम लेकर आए हैं वो उपाय आपके बच्चों के लिए है। जैसे अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसके बुद्धि विवेक को तेज करने के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो उपाय है पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने शिव महापुराण कथा में बताया है, तो इस उपाय को आप अवश्य करके देखिएगा। महादेव जी की कृपा आप पर अवश्य होगी। तो आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है और उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो उसकी बुद्धि विवेक को तेज करने के लिए किसी भी महीने की शिवरात्रि वाले दिन एक पीपल के पत्ते पर शहद रखकर तुम्रुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे चिपकवा दीजिए और वापस उस पत्ते को निकाल के बुद्धि से जो कमज़ोर बच्चा है उसको चटा दीजिए। और ये आपको मंदिर के सीढ़ियों पर बैठकर ही करना है। ऐसा करने से दोस्तों जो बच्चे की बुद्धि विवेक कम है उसका विवेक और बुद्धि तेज हो जाती है और बच्चा पढ़ने में बहुत ही विद्वान हो जाता है। और हाँ दोस्तों, ये जो उपाय है आपको शिवरात्रि वाले दिन ही करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर महीने में शिवरात्रि आती है, तो आपको कोई भी महीने की शिवरात्रि के दिन ये उपाय करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।